हाई एवरी वन नेक्स्ट इज एक्टीनाइट्स द फोर्टीन एलिमेंट्स विच फॉलो एक्टीनियम फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम इन द टेबल आर कॉल्ड एक्टीनाइट्स और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और ये इस तरह से अकॉर्डिंग टू थोर प्रोटेक्ट यूरेनस नैपचून प्लूटो अमेरिका कर्ल ब्रेकली कैलिफोर्निया आइंस्टाइन एंड फर्मी मेड नोबल लॉस इस तरह से ये आपको याद होने चाहिए और ये नेम भी और एटोमिक नंबर भी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो लेंथ की तरह ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है जो साइज होता है एटम का ऑफ एक्टिनाइड्स वो डिक्रीज करेगा रेगुलरली विद इंक्रीज इन एटोमिक नंबर फिर स्टडी डिक्रीज को हम बोलते हैं विद इंक्रीज इन एटोमिक नंबर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और इस तरह से ये जो है इसका ये बनेगा इस तरह से बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है और जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रेक्शन होती है किसकी वजह से होती है इट इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन फाइव एफ इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन दी दब शेल लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन में किसकी वजह से होती थी फोर एफ की वजह से होती थी यहाँ पे फाइव एफ की वजह से हो रही है और देआर फोर एज वी मूव अलोंग सीरीज द न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ठीक है एंड द नंबर ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करेंगे बाय वन यूनिट एट ईच स्टेप तो हाउ एवर ड्यू टू इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ फाइव एफ ऑर्बिटल्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इसी वजह से क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज होगा तो एक्टिनाइड इन कॉन्ट्रैक्शन में किसकी वजह से होती है ड्यू टू इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ फाइव एफ इलेक्ट्रॉन और लेंथ में किस वजह से होती है शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन फोर एफ इलेक्ट्रॉन इज लेस इफेक्टिव ड्यू टू इट्स डिफ्यूज शेप बाकी वैसा ही है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और फिर साइज क्या करेगा घटेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स आर लेसर देन थ्रिटिकल प्रिडिक्टेड वैल्यूज और इट इज ड्यू टू फैक्ट दैट कि जो फाइव एफ इलेक्ट्रॉन है वो मोर एक्सपोज्ड है क्रिस्टल फील्ड की तरफ ठीक है एंड देआर फोर क्या है ये लेस इफेक्टिवली शील्डेड है फाइव एफ कहाँ है मतलब बहुत बाहर जैसे होगा फोर एफ कहाँ था लेंथ में अंदर है फोर एफ वो क्या है शील्डेड है और फाइव एफ थोड़ा एक्सपोज है बाहर है फोर फोर एफ पहले आएगा फाइव एफ बाहर जैसे आएगा तो ये क्या है मोर एक्सपोज है टू क्रिस्टल फील्ड और लेस इफेक्टिवली शील्डेड है तो दिस रिजल्ट इन क्वेंचिंग ऑफ दी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेंचिंग मतलब की मतलब बर्बादी समझो आप इसकी मतलब ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की बर्बादी हो गई क्यों हो गई क्योंकि फाइव एफ क्या था लेस शिल्डेड था फाइव एफ जो था मतलब मोर एक्सपोज था लेंथ नाइट में क्या था फोर एफ क्या था इफेक्टिवली शिल फ्रॉम सराउंडिंग उसको जो है लीगेंट जो थे उसके जो ऑर्बिटल मोशन को था वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते थे इसीलिए जो लेंथेनाइड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी उसमें ऑर्बिटल जो था जो मोशन था वो था नॉट क्वाइंज ठीक है ये है इसमें डिफरेंस और इस तरह से आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए तो इधर द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्राई पॉजिटिव एक्टिनाइट डिक्रीज़ करेगा यहाँ से लेके फिर यहाँ तक फिर इंक्रीज करेगा इस तरह से डिक्रीज करेगा और ये बनाना है ठीक है और ये सारा का सारा लिखना होता है पेपर में बिल्कुल उसके बाद आता है हमारे पास कलर ऑफ आयंस अब एक्टिनाइड आयंस जो होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं और ये जो इसका कलर है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फाइव एफ इलेक्ट्रॉन और लेंथ में किस पे डिपेंड करता था इलेक्ट्रॉन फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स पर ठीक है जो सेवन फाइव एफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे कलरलेस और जो आयंस टू से सिक्स इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे कंटेन उन, उनका क्या होगा कलर्ड होंगे इस तरह से ये टेबल बनेगा और ये बनाना है इसके बिना ये ये जो आंसर है ये इनकम्प्लीट है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये सारी लाइंस भी द कलर अराइज आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस एनर्जी स्टेट्स विद इन फाइव एफ ऑफ शेल और फिर क्या है कि कलर ऑफ एक्टिनाइड आयन अराइज करेगा फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कलर जो है एक्टिनाइड का वो अराइज करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है वो डिपेंड करेगी एफ एफ ट्रांजिशन पे एफ डी ट्रांजिशन पे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन पे और एफ एफ ट्रांजिशन अक्कर इन विजिबल एंड अल्ट्रावाइलेट रीजन और डिटरमाइन करेगा कलर ऑफ सॉल्यूशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ एफ एफ ट्रांजिशन करेगी विज्यल एंड अल्ट्रावाट रीजन पे और डिटरमाइन करेगी कलर ऑफ सोल्यूशन और जो इंटरप्रिटेशन होती है एफ एफ ट्रांजिशन ऑफ एक्टिनाइट वो सिमिलर होगी एफ एफ ट्रांजिशन ऑफ लेंथेनाइट और एफ फाइव एफ इलेक्ट्रॉन जो है एक्टिनाइट का क्या है मोर एक्सपोज है

एक्टिनाइड आयन की वो टेन टाइम्स स्ट्रॉगर होती है टू टाइम्स ब्रॉडर होती है एफ एफ ट्रांजिशन ऑफ की और इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ एक्टिनाइड आयन की जो लाइट ऑफ हाइयर बेवल मतलब कि लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिजल्ट एफ एफ ट्रांजिशन मतलब की लाइट मतलब हमें चाहिए हाइयर बेवलेंथ की एफ एफ ट्रांजिशन के लिए एज कंपेर टू लेंथेनाइड आयन क्यों होता है ऐसा क्योंकि बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फाइव एफ एंड सिक्स डी ऑर्बिटल इन एक्टिनाइट इज स्मर देन दैट बिटवीन फोर एफ एंड फाइव डी ऑर्बिटल इन लेंथेनाइट ओके उसके बाद आती है हमारे पास कि एक और अलाउड होती है कि वेरी स्ट्रॉन्ग एफ डी ट्रांजिशन और इवन इन केस ऑफ ट्राई एक्टिनाइड आयन्स ये क्या करती है एफ डी ट्रांजिशन लाई इन द अल्ट्रा रीजन एंड देयर फोर डू नॉट इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ एक्टिनाइड आयंस उसके बाद थर्ड है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस क्या होते हैं आज जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर ऑफ एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्सेस के लिए मतलब तीन चीजें है ना कलर ऑफ एक्टिनाइड आइन की डिपेंड अपॉन एफ 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 टी एंट्रोल चार्ज ट्रांसफर तो क्या है कि दिस इज फाउंड कि एक्टिनाइड इन हाइयर ऑक्सीडन स्टेट्स विद लीगेंट्स हैविंग इजियर ऑक्साइडबिलिटी और लेंथनाइट जो है इस तरह की ट्रांजिशन को शो नहीं करते हैं क्योंकि उनकी उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है लेस होती है दे डू नॉट हैव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हाइयर देन फोर तो एक्टिनाइट में हमारे पास जो कलर होता है वो डिपेंड करता है एफ 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 डी चार्ज ट्रांसफर ठीक है तो नंबर ऑफ फाइव एफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और नो फाइव एफ इलेक्ट्रॉन और सेवन फाइव एफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कलरलेस होंगे टू से सिक्स इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कलर्ड होंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस तो एक्टिनाइड भी क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एक्टिनाइड की ग्रेटर टेडेंसी होती है क्यों होती है क्योंकि इसकी जो साइज होता है वो छोटा होता है एक्टिनाइड का साइज छोटा है तो हाई चार्ज डेंसिटी होगी जो चार्ज टू साइज रेशो होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं देखो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस लेंथ में क्या था हाई चार्ज था लेकिन क्या था लार्ज साइज था आयन का इससे क्या हुआ जो चार्ज टू वेरी चार्ज रेडियस या चार्ज टू साइज चार्ज रेडियस को साइज बोलते हैं तो चार्ज साइज रेशो है वो क्या हो गई छोटी हो गई तो इससे क्या हुआ लो चार्ज डेंसिटी एंड दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एक्टिनाइड्स का क्या है स्मॉल साइज है इस तरह से होता है देखो क्या है चार्ज है साइज है इड का साइज जो है वो बड़ा है चार्ज जो है वो ज्यादा है दोनों ज्यादा है तो इसीलिए लो चार्ज डेंसिटी है साइज जो क्या होना चाहिए हमारे पास कम होना चाहिए तब कॉम्प्लेक्स बनेंगे साइज जो है वो डिक्रीज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हो रहा है लेकिन यहाँ पे सीधा इसलिए पूछा है कि टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस नहीं तो इस तरह से होना था कि जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे विद इंक्रीज इन साइज मतलब विद इंक्रीज इन एटोमिक नंबर दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्सिस ठीक है और एक्टिनाइड्स में क्या है चार्ज तो ज्यादा है लेकिन साइज क्या है छोटे हैं एक्टिनाइट के तो क्या है चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ग्रेटर टेडेंसि टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको ठीक ढंग से कि हाई चार्ज है लेकिन लार्ज साइज भी है तो इसीलिए ये जो है रेशो ये स्मॉल हो जाती है तो इसकी क्या है लो चार्ज डेंसिटी है और लेस टेडेंसी है उसकी ग्रेटर टेंडेंसी है क्योंकि इसकी क्या है हाइयर चार्ज डेंसिटी है और स्मॉलर साइज है अब हम एक शॉर्ट लेंगे जितना पिछला किया द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ ऑर्बिटल ऑफ द आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेडीज कांट पुट नेजर प्रॉपरली इन स्लॉट मशीन एवरी गर्ल ट्राइज डेली हाउ एवर एवरी टाइम वी लूज लेंथ एंड नाइट कॉन्ट्रेक्शन ग्रुप की तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है एटोमिक साइज नॉर्मली इंक्रीज कर रहा है पीरियड की तरफ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटोमिक साइज क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है लॉन्ग पीरियड एटोमिक नंबर बढ़ता है फोटोन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है साइज डिक्रीज होता है दिस स्मॉल स्टडी डीज इनिक साइजेज ऑफ देंट एलिमेंट विद इन एटोमिक नंबर इलेक्ट्रॉन एड करेंगे न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा शिल्डिंग इफेक्ट जो होगा फोर एफ इलेक्ट्रॉन का वो लेस इफेक्टिव होगा ड्यू टू इट्स डिफ्यूज शेप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज घटेगा कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट लेंथेनाइट इन देर एलिमेंट स्टेट आर सिल्वरी व्हाइट और मोस्ट ऑफ दाइब एलेंट कटाइन कलर्ड होंगे एज वेल एज इन एक्सो सोल्यूशन और जो लेंथेनाइड का कलर होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी फोर एफ ऑर्बिटल और इसमें एफ एफ ट्रांजिशन होती है और एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ लेंथेनाइड वेरी शार्प होंगे एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ब्रॉड होंगे और एक्टेनाइट्स में क्या होगा एक्टेनाइट्स में जो कलर है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फाइव एफ इलेक्ट्रॉन्स और नो फाइव एफ इलेक्ट्रॉन और सेवन इलेक्ट्रॉन तो कलरलेस होगा टू टू सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कलर्ड होंगे और जो कलर अराइज होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस एनर्जी स्टेट्स विद इन द फाइव एफ शॉप शेल और जो कलर होगा एक्टिनाइड आयंस का वो अराइज होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से डिपेंड करेगा एफ एफ ट्रांजिशन पे एफ डी ट्रांजिशन पे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन पे एफ एफ ट्रांजिशन अक्कर करती है बिजीवल एंड रीजन में और डिटरमाइन करती है कलर ऑफ सॉल्यूशन को इंटरप्रिटेशन ऑफ एफ एफ ट्रांजिशन जो है वो सिमिलर होगी एफ एफ ट्रांजिशन ऑफ लेंथ और फाइव एफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक्टिनाइट्स में वो मोर एक्सपोज होंगे देन द फोर एफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ और ये जो होंगे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे बाय द लीगेंट फील्ड मतलब लीगेंट से क्योंकि फाइव एफ कहाँ है बाहर है फोर एफ अंदर है इनसाइड मतलब काफी अंदर है फाइव एफ की लाइन बाहर है तो वो जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो होगा एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्सेस का वो क्या होगा मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा लेस करेक्टराइज होगा इन जर्नरल क्या बोल सकते हैं हम एफ एफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिनाइड आयन जो होते हैं वो टेन टाइम स्ट्रोंगर होते हैं टू टाइम्स ब्रॉडर होते हैं और ये भी नोट किया गया है एक्टिनाइड आयन में कि लाइट ऑफ हाइयर वेव लेंथ इज रिक्वायर टू तो रिजल्ट एफ एफ ट्रांजिशन एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड आयन्स क्यों क्योंकि डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर है फोर एफ और फाइव डी ऑर्बिटल के डिस्टेंस से और एफ डी ट्रांजिशन क्या है लाइज इन दी अल्ट्रावाइलेट रीजन और डू नॉट इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ एक्टिनाइड आयंस फिर चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन आती है उसमें क्या है कि एक्टिनाइड्स इन हाइयर ऑक्साइडेशन स्टेट विद लिगेंट्स हैविंग ईजियर ऑक्सीडाइजबिलिटी और लेंथेनाइड जो हैं ऐसी ट्रांजिशन सो so नहीं करते हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव ऑक्सीजन स्टेट हाइयर देन फोर इट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो डायमैग्नेटिक होते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेंथ में क्या होता है फोर एफ ऑर्बिटल होता है और एक्टिनाइट में हम फाइव एफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं फोर एफ इलेक्ट्रॉन क्या है क्वाइट डीप है पहले फोर एफ है फाइव डी है सिक्स एस है फिर फाइव एफ आएंगे मतलब फाइव एफ क्या है मोर एक्सपोज है मतलब बाहर है तो क्या होता है लीगेंट के साथ जो है इसकी बर्बादी हो जाती है तो so, एक्टिनाइड में क्या होता है क्वेंचिंग इन दी ऑर्बिटल मोशन और इसमें जो ऑर्बिटल मोशन में नहीं होती क्योंकि ये इफेक्टिवली क्या है शिल्डेड है बहुत ज्यादा शिल्डेड है इसको कुछ नहीं कर सकते लीगेंड मतलब ज्यादा नहीं करते कुछ नहीं ऑर्बिटल मोशन को तो इसीलिए इज नॉट क्वेंच और जिस तरह से मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताई है पिछली वीडियो में उसके बाद तो आपको बुक का ये पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी यहां से लिख देना यहां तक फिर क्या है यहां से लेके इन द से लेके यहां तक नंबर तक ये छोड़ ही देना ये वाला लिख देते पेपर के लिए ये टेबल यहां तक ठीक है फिर यहां से लिखना मतलब यहां तक यहां तक फिर यहां से ये वाला छोड़ दो यहां से दलिस से लेके यहाँ तक ये छोड़ देना है तब बनता है एक मीनिंगफुल आंसर इस तरह से पढ़ा जाता है बुक से ठीक है तो यहां पे देखो लिखा भी है फोर एफ ऑर्बिटल क्या है वेल well शील्डेड है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लीग जो है सराउंडिंग द मेटल डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द ऑर्बिटल मोशन तो क्या है क्वेंचड है क्वाइंस्ड मतलब बर्बादी ठीक है तो फोर एफ की बर्बादी नहीं हो सकी फोर एफ़ के ऑर्बिटल मोशन की बर्बादी नहीं हो सकी एक्टिनाइड की हो गई एक्टिनाइड की क्यों हो गई क्योंकि फाइव एफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर एक्सपोज है क्रिस्टल फील्ड की तरफ मतलब लीगेंट की तरफ लीगेंट उस पर अटैक कर सकते हैं लीगेंट ने जो है उसके ऑर्बिटल मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसीलिए एक्टिनाइड में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्वाइंस्ड हैं मतलब कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्वेंचिंग इन ऑफ दी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है फिर यहाँ से ये डिक्रीज इंक्रीज़ ये बनाना होता है ये सारा आयन एक्सचेंज मेथड यूज किया जाता है सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स और इसमें क्या है कि लुटीटियम जो है वो कॉम्प्लेक्स पहले आ जाएगा और लेंथेनम जो है लेट आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इसके साथ अटैच्ड हुआ है और क्या है लेंथेनम का स्मॉल साइज भी है ल्यूटिटियम का लार्ज साइज है और फिर इतना अटैच्ड भी नहीं हो पाया तो इसीलिए जल्दी से निकल गया कॉलम से